हेलो एवरीवन, आप लोगों ने पास्कल ट्रायंगल का नाम तो सुना ही होगा। पास्कल ट्रायंगल इज बेसिकली अ ट्रायंगल इन विच देयर आर सम नंबर्स रिटन, एक के नीचे एक नंबर्स लिखे होते। बट पास्कल ट्रायंगल का हिस्ट्री क्या है, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। लॉन्ग टाइम बैक, 10th century ओनली, जलायुध नाम के एक इंडियन मैथमेटिशियन थे हु क्रिएटेड दैट ट्रायंगल। इट वॉज कॉल्ड मेरु प्रस्तर। मेरु मतलब पर्वत, पहाड़, माउंटेन। इट इज कॉल्ड स्टेयर केस टू माउंट मेरू। तो मेरु प्रस्तर हिंदी में बोलते थे एंड इंग्लिश पीपल यूज टू कॉल इट स्टेयर केस ऑफ माउंटेन मेरू। दैट इज एक्चुअली वॉट पास्कल ट्रायंगल टुडे इज। बट दैट इज नॉट द ओनली थिंग। पास्कल तो बहुत लेट कहानी में आए। इन 10th century दैट वॉज जलायुध। इन 10th century ओनली देर वॉज अ ईरानियन मैथमेटिशियन, दैट वॉज खयाम। ईरान में आज भी इसको हम खयाम ट्राइंगल ही बोलते हैं। वी ऑलवेज मतलब इन ईरान वी कॉल इट खयाम ट्राइंगल। अ चाइनीज मैथमेटिशियन इन 11th century दैट वॉज यांग हुई, वहाँ आज भी इसको यांग हुई ट्राइंगल बोलते। देन इटली, इटली में दे कॉल इट टाटागैलिया ट्राइंगल। टाटागैलिया वॉज अ मैथमेटिशियन जिसने, आपको याद हो, क्यूबिक इक्वेशन के फॉर्मूले पर भी काम किया हुआ। Then in 16th century Blaise Pascal, a French mathematician, came to the picture and he invented this also. So everybody was doing this at your own place, at their own paces. So ye cheez bahut pehle se hamare paas thi. Pascal to 16th century mein aaye and today we call this Pascal triangle in all the English world and in India also. Whereas it was invented 10th century only. Ab ye hai kya? This is your Pascal's triangle or we can call it Meru Prastar. Kya hai? If you see, the first number is 1 and then what we have is both side again 1. Ab ye 1 aur 1 ka jo sum hai, wahan uske niche 2 likha hua hai aur uske baad dono baaju 1-1 likhe hua hai. And it keeps on going. 1 plus 2 is 3, 2 plus 1 is 3 and then again both side we are writing 1-1. Then again, if we add, we are getting 1 plus 3 is 4, 3 plus 3 is 6, 3 plus 1 is 4, and then again 1, dono side 1. And we keep on going like this, and this is actually Meru Prastar, I can call it. Or you can call it Pascal triangle. Now, what is actually this mean? Ye bahut sari cheeze represent karta hai, jo humne abhi binomial theorem ke video mein dekha. Kya hai? The first number, if you see, that is x plus y power 0 hai. सेकेंड रो इफ यू सी दैट इज एक्स प्लस वाई पार वन का कोफिशेंट है। एक्स प्लस वाई पार वन करोगे तो एक्स प्लस वाई आएगा और एक्स प्लस वाई के कोफिशेंट्स 1 and 1, यू कैन सी इट है। देन इफ यू सी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, उसके कोफिशेंट क्या हो गए? 1, 2 and 1। सिमिलरली द थर्ड रो में क्या दिख रहा है आपको? You can see 1, 3, 3 and 1. And what is that? That is x plus y के cube का coefficient. आपको formula याद है? X plus y के cube का formula होता था x cube plus 3x square y plus 3xy square plus y cube. And that is the coefficient of 1. This is 1, 3, 3 and 1. So this keeps on going. Now suppose if I ask you what is the expansion of a formula of x plus y power 4. तो नेक्स्ट वाला रो अगर आप देखोगे तो यू कैन से कि उसके कोफिशेंट्स क्या है, और उसके कोफिशेंट्स है 1, 4, 6, 4, 1। तो दीज आर द कोफिशेंट्स फॉर एक्स प्लस वाई पार 4। सो दिस कीप्स ऑन गोइंग एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस ट्राइंगल। कैसे मिल रहा है? दो दो नंबर्स को प्लस करते करते। बट ये सारी चीजें तो आपको पहले से पता है, देयर इज नथिंग न्यू। ऑल्सो लाइक इफ यू सी दिस रो 1, 5, 10, 10, 5, 1, क्या है? ये है x प्लस वाई पार 5 में कोफिशेंट्स है। बट दैट इज ऑलरेडी नोन। इंटरेस्टिंग फैक्टर इज कि सपोज वी हैव 5 ऑब्जेक्ट्स, और लेट मी से कि यू हैव 5 पॉइंट्स, और यू कैन से यू हैव अ पॉलीगन ऑफ 5 साइड्स। तो 5 में से अगर आपको 1 कोई पॉइंट पिक करना, यू हैव टू पिक एनी 1 पॉइंट, और आई कैन से कि हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर, तो यू कैन से देयर आर 5 पॉइंट्स। इफ आई से हाउ मेनी साइड्स आर देयर, तो कितने साइड्स बनेंगे? साइड्स इफ यू काउंट देयर आर बेसिकली 5 साइड्स,
बट इफ यू टॉक अबाउट द टोटल नंबर ऑफ लाइंस, तो लाइंस कितने होंगे? तो दैट इज 1 के 5, 5 के बाद जो 10 है, दैट इज बेसिकली नंबर ऑफ लाइंस. यू वांट टू सी हाउ? लुक एट इट. सो दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. दीज आर द 10 लाइंस. फिर से 10 लिखा हुआ है. नाउ व्हाट इज दैट? दैट इज नंबर ऑफ ट्राइंगल. फिर 5 लिखा है, दैट इज व्हाट? नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स. एंड फिर 1 लिखा है, दैट इज व्हाट? नंबर ऑफ पेंटागन. तो दैट इज व्हाट दिस नंबर इज ऑल अबाउट. और ये सिर्फ 5 वाले में काम नहीं आता है, ये हर टाइप के 6 हेक्सागन में आएगा, हेप्टागन में आएगा, ऑक्टागन में आएगा. एवरीवेयर यू कीप गेटिंग अनदर एंड अनदर रोज, एंड दैट विल बी यूजफुल. नाउ अनदर फैक्ट, इफ यू लुक एट द फर्स्ट नंबर, दैट इज व्हाट? 1. लुक एट द सेकेंड रो. इफ यू राइट इट, यू सी 1 and 1 रिटन साइड बाई साइड विल गिव यू व्हाट? 11. एंड द नेक्स्ट रो, इफ यू सी, दैट इज व्हाट? 1, 2, 1. एंड व्हाट इज 1, 2, 1? दैट इज बेसिकली 11 का स्क्वायर. जो पहला नंबर 1 है, दैट इज बेसिकली 11 power 0. सेकेंड नंबर 11 है, दैट इज 11 power 1. थर्ड नंबर इफ यू सी 121 इज 11 का स्क्वायर. फोर्थ नंबर क्या है? फोर्थ नंबर है 1331, दैट इज 11 का क्यूब. नेक्स्ट नंबर 11 power 4 होगा. व्हाट इज 11 power 4? नाउ यू नो. एंड दैट इज 1, 4, 6, 4, 1. Now you know 11 power 5. Now you know 11 power 6. And now you know 11 power 7. And so on. What else? अगर ये first row के second row, third row, ये numbers को अगर मैं add करता हूँ, तो first row के numbers का sum क्या है? 1. Second row में numbers का sum क्या है? 2. Third row में numbers का sum क्या है? 1, 2 and 1. That is 4. Then 8. Then 16. Then 32. What are these? These are basically 2 power 0, 2 power 1, 2 power 2, 2 power 3, 2 power 4. तो वेरी मतलब टू मेनी पैटर्न्स आर देयर. इतने सारे पैटर्न्स है, यू कांट इवन इमेजिन कि हाउ गुड, हाउ ब्यूटिफुल दिस ट्राइंगल इज. नाउ इफ यू लुक एट द फर्स्ट डायगोनल, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट डायगोनल. द फर्स्ट डायगोनल इज ऑल वंस. सेकेंड डायगोनल्स आर बेसिकली, यू नो, दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, एंड दैट इज natural number. If you look at the third diagonal, that is 1, 3, 6, 10. These are called triangular number. Tell me why? Because 1, agar aap ball lete hain, to usse ek triangle banega. That is simply a point. So let's not do that. 3 points. Aur agar 3 points hain, to kya hoga? 3 points hain, you will get a triangle. 3 balls agar aap rakhoge, touch to touch, ek dusre ko touch karte huye, to you will get a triangle. Like this. Now, if you see, नेक्स्ट नंबर वॉज 6. अगर मैं 6 बॉल्स लेता हूं, तो व्हाट आई एम गेटिंग इज, आई एम गेटिंग अगेन अ ट्राइंगल. एंड ट्राइंगल भी कैसा? इक्विलेटरल ट्राइंगल वी आर गेटिंग. 10 बॉल्स में भी देखो, व्हाट वी आर गेटिंग इज अगेन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. सो दीज नंबर्स आर कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल. नेक्स्ट डायगोनल की बात करते हैं. नेक्स्ट डायगोनल इफ यू सी, वी हैव 1, 4, 10, 20. दीज आर कॉल्ड टेट्राहेड्रल नंबर्स. हाउ and why are they called tetrahedral number? Because if you take 1 ball, if you take 4 ball, if you take 10 balls, if you take 20 balls, you will get a tetrahedron. That is a 3D structure. That is like this. 1, 4, 10, 20. Similarly, the next diagonal will give you a pentalope. That is called pentalope number and so on. So now, another interesting fact. There is numbers in this same triangle which are called hockey stick pattern. Hockey stick pattern ka matlab kya hua? You know hockey like is like this. So if you see here, what do we get is this and this. To isme to kya hai? Ye to normal si baat hai, kahin bhi bana sakte. Not exactly. If you see, sum of all these numbers is equal to that number. Sum of all these number is also equal to this. So all the numbers, all the hockey sticks will actually give you sum of the numbers. Jo hockey ka head hoga, that will be actually sum of all the numbers on the stick. Like you see here, and all these are basically hockey stick pattern we call it. What else? Next, if you see, so let me mark all the numbers which are divisible by 2.
एंड सी ऑल दीज नंबर आर डिविजिबल बाय टू. व्हाट डू यू सी? ऑल दीज नंबर्स आर हाईलाइटेड, दैट इज कॉल्ड इवन नंबर. सारे इवन नंबर को मैंने हाईलाइट किया एंड व्हाट डू यू सी? देर आर सो मेनी ट्राइंगल्स यू सी. नाउ इफ आई हाईलाइट ऑल द नंबर्स मल्टीपल ऑफ थ्री, व्हाट डू आई गेट? आई विल गेट दिस. अगेन व्हाट इज दिस? अगेन यू आर गेटिंग द सेम काइंड ऑफ ट्राइंगल्स. If I highlight numbers multiple of 4, what do I get? This. Again, you are getting the same kind of triangles. Multiples of 5, multiples of 6, multiples of 7. Amazing, isn't it? So, all these are basically forming a different triangles, and these triangles are actually have a name. These triangles are called Sierpinski triangle. Sierpinski triangle is name of these kind of triangles. So you take multiple of 1, multiple of 2, multiple of 3, 4, 5, 6, whatever, you will always going to get a Sierpinski triangle. What else? It's not over. Apna jo sabse acha number hota hai, pi. Apna number hota hai, e. These are very difficult to find. But this same triangle have pi. The same triangle have e. And to add that, we also have Fibonacci series here. We are having the Fibonacci here. Where do you see the Fibonacci series? Okay, let me show you. So this is your triangle. And if you draw these diagonals like this, first, second, third, fourth, fifth, sixth, and add these numbers, what I am getting is do you see what are these? This is your Fibonacci series. The Fibonacci series is also there on the same Pascal triangle. Now, what do you know more about this? Where is pi? Where is pi? Pi will be like, see, the third diagonal you pick, take reciprocal of all these numbers. What I am getting at? Third diagonal ke numbers ka reciprocal. Fir unko pairs mein प्लस और माइनस करो. फर्स्ट टू को प्लस, फिर दो को माइनस, फिर टू प्लस, फिर टू माइनस, एंड व्हाट वी गेट इज दिस नंबर. एंड दिस इज एक्चुअली वैल्यू ऑफ पाई माइनस टू. दिस इज द वैल्यू ऑफ पाई माइनस टू. ये पाई माइनस टू का वैल्यू है. अच्छा, पाई आ गया, ई कहां से आएगा? ई के लिए हमें क्या करना है? सो लेट्स स्टार्ट अगेन विद द सेम ट्राइंगल. Pick any particular row and then after that and then after that. So let's pick these fourth, fifth and sixth row. Fourth row ke ye jo numbers hai, inka product, let me call it P1. Jo fifth row hai, uske elements ka product, let me call it P2. Aur jo third row hai, uske elements ka product, let me call it P3. Or let us call it P4, P5 and P6. You can also pick P5, P6, P7. You can also take P10, P11, P12. Now, first or third ka product divided by middle ka square. Matlab P4 into P6 upon P5 ka square. P10 into P12 upon P11 ka square. P20 into P22 upon P21 ka square, and that keeps on going, and ultimately it will lead to a number called E. Yes, you are right. So pi aa gaya, E aa gaya, Fibonacci aa gaya, all these numbers are there. And it's not over. Iske alawa Lucas number, Catalan number, and so many other numbers are also there. So this is a very interesting triangle which gives us so many things. So, this is basically history and some important fun facts about the triangle. I call it Meru Prastar. I hope you like the video. Thank you.